हिंदी की जानी मानी लेखिका गीतांजलि श्री को बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। इसका अनुवाद प्रसिद्ध अनुवादक डेजी राकवाल ने किया है। रेत समाधि इस बुकर पुरस्कार को जीतने वाला किसी भी भारतीय भाषा का पहला उपन्यास है। किसी भी भारतीय भाषा का, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह कन्नड़ हो, चाहे वह बांग्ला। नमस्कार, मैं राजेश कुमार, एडवोरा इंसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम गीतांजलि श्री और बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। गीतांजलि श्री भारत की एक हिंदी उपन्यासकार और लघु कथाकार है। गीतांजलि श्री का जन्म मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका बचपन यूपी के कई शहरों में बीता, जहां उनके पिता एक सिविल सेवक के रूप में तैनात थे। वह उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चली गई, जहां उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज में इतिहास का अध्ययन किया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मास्टर्स किया। हिंदी में रुचि होने के चलते इन्होंने इतिहास विषय की बजाय हिंदी के महान लेखक प्रेमचंद पर शोध कार्य किया। रेत समाधि गीतांजलि श्री का पांचवा उपन्यास है। माई, हमारा शहर, उस बरस, तिरोहित और खाली जगह इनके अन्य चार उपन्यास हैं। गीतांजलि श्री ने कई कहानियां भी लिखी हैं। आइए जानते हैं कि रेत समाधि किसकी कहानी है। रेत समाधि डिप्रेशन में जूझ रही एक आम भारतीय परिवार की वृद्ध महिला की कहानी है। इस उपन्यास के केंद्र में 80 बरस की एक महिला है, जिनके पति की मौत हो चुकी है। इस मौत के बाद वृद्ध कथानायिका डिप्रेशन की शिकार हो जाती है। यह डिप्रेशन इतना तीखा है कि वे अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहती। पूरा परिवार उन्हें अपने अपने तरीके से मना रहा है, लेकिन महिला ने खुद को ऐसे खोल में बंद कर रखा है कि वे बाहर आने से घबराती है। परिवार के साथ वृद्धा नायिका के संवादों में रिश्तों की परतें खुलती जाती हैं। पात्रों की मनोदशा के रेशे रेशे आपको दिखने लगते हैं। संबंधों की बिल्कुल अजूबी दुनिया से आपका साक्षात्कार होता है। ऐसे ही समय में अचानक वृद्धा नायिका को पाकिस्तान जाने की सूझती है। वहां उन्हें किसी रोजी नाम की स्त्री का कोई सामान सौंपना है। उपन्यास में दो स्त्रियां, एक बेटी और एक माँ, एक बड़ी होती और दूसरी उम्र के साथ छोटी, एक गंभीर और जिम्मेदार तो दूसरी उम्र के साथ आजाद और आबाद कहानी की धुरी है, जिस पर सारा उपन्यास घूमता रहता है। बेटी को विदा करने के बाद एक माँ बेटी के घर का पानी भी ना पी पाने वाले समाज में बेटी के साथ कम ही रह पाती है। उसकी नियति होती है पूरी उम्र बेटे के घर में बिता देना। इस कहानी में जब माँ कुछ समय के लिए बेटी के साथ रहने आती है तो पुड़िया में बंद बुढ़िया आजाद गुड़िया बन जाती है। बेटी माँ और माँ बेटी के तरीके से जीने लग जाती है। रेत समाधि का कथ्य यही है, जिसे कुछ शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यदि हम बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अंग्रेजी भाषा से इतर अन्य भाषाओं में कार्य करने वाले लेखकों पर केंद्रित है। वार्षिक रूप से यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। इसके तहत 50,000 पाउंड की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है, जिसे अनुवादक और लेखक के बीच विभाजित करना होता है। किसी हिंदी कृति को बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना एक बड़ी घटना है। पूरे देश को इस पर गर्व होना चाहिए और हो भी रहा है। इस पुरस्कार के बाद जितने रचनाकार हैं उन्हें एक बल मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगी और अपनी वास्तविक शक्ति के प्रति वे आश्वस्त होंगे। एडोरा इंसाइट्स में आज इतना ही। फिर मिलते हैं नए इंसाइट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।